तो एसटीपी प्रोडक्शन की वीडियोस की चलिए शुरुआत कर लेते हैं हमारे किसे बीपीडीयू कार्ड से। ठीक है, बीपीडीयू कार्ड एंड बीपीडीयू फिल्टर से। तो देखिए जरा एक एग्जांपल से ही शुरू कर लेते हैं, मैं आपको ये प्रैक्टिकली ही करके समझा दूं तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। मान लो इधर की साइड क्या था, आपने इसको अगर याद हो तो क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ था, इसको पोर्ट फास्ट बनाया हुआ था। शायद मैं एक बार देख लूं चेक करके कि FA0/1 पोर्ट फास्ट है। तो चलिए मैं क्या करूं, इसके साथ लगा देता हूं एक, अब इसको हटा दो और एक स्विच लगा दो इसके साथ, क्योंकि पोर्ट फास्ट हमने किसके लिए किया था, आपके एंड डिवाइसेस के लिए। पर यहाँ पे अभी गलती से क्या किया किसी ने, गलती से या इंटेंशनली वी डोंट नो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर आप नेटवर्क इंजीनियर हैं और वो सीनियर नहीं है, आप सीनियर हैं वो जूनियर है या फिर वो सब सीनियर हैं, तो बहुत सारी तरह की पॉलिटिक्स चलती है यार, आप समझ सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ काम ही नहीं होता, बहुत कुछ होता है। अब ठीक है, तो अभी अगर आप देखेंगे कि इसकी वजह से, इस स्विच की वजह से, अब स्विच ने क्या कर दिया, उधर वाले साइड में आपको भेजने शुरू कर दिए बीपीडीयूज। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक टोपोलॉजी को कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी तो कुछ लोग वगैरह बनेंगे नहीं आपके अभी। और आप अगर इस तरह का सिनेरियो बनाते हैं, ठीक है, जिससे कि नेटवर्क में लूप बनने के चांसेस होंगे आपके, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है कि भाई ये जो स्विच है इसकी वजह से वो कोई लूप ना बने। तो FA0/1 पे आपको क्या करना है कि जहां पे आपने पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर किया हुआ था उसी के साथ आपको करना है इंटरफेस FA0/1 पे आपने करना है स्पैनिंग ट्री, स्पेलिंग क्या रहेगी, स्पैनिंग ट्री बीपीडीयू गार्ड इनेबल। एंटर करेंगे आप जैसे ही ना, तो यहां पे देखिए अब जरा क्या हो रहा है, कुछ मैसेजेस आएंगे आपके, Changed state to down, क्योंकि इसने देख लिया कि भाई ये पोर्ट मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ था एज ए पोर्ट फास्ट, ठीक है, उसको सिक्योर करने के लिए मैंने क्या किया हुआ था, उस पर कॉन्फ़िगर कर दिया था बीपीडीयू गार्ड, तो इधर क्या लगा हुआ है स्विच, तो स्विच तो वो चांसेस ही नहीं है ना, आपको यहाँ पे लगाने ही नहीं है स्विचेस, तो ये किसके लिए, सिर्फ पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर होते हैं एक्सेस डिवाइस लगाने के लिए। ठीक, अब मैं क्या करूं, अगर यहाँ पे कोई आपका डिवाइस है जिसको आपने एक्सेस डिवाइस माना हुआ है, एंड डिवाइस माना हुआ है, और उस पे अगर आप ये लिंक लगा देते हैं, मान लो तो FA0/1 ये स्विच का, तो इस पे आप लगाते हैं तो अभी भी ये डाउन है, ये देखो मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूं तब भी अपनी होगा, तो ये इसको बोलते हैं एरर डिसेबल स्टेट, एरर डिसेबल। कैसे वेरीफाई करेंगे, कमांड आती है डू शो इंटरफेस स्टेटस, डू शो इंटरफेस स्टेटस आई थिंक STAS। तो यहाँ पे देखो FA0/1 जो पोर्ट था वो क्या बन गया आपका, एरर डिसेबल्ड में चला गया। ठीक, इसको वापस लाने के लिए क्या होता है, आपका नॉर्मल कंडीशन में शट करो पहले इसको, और फिर इसको आप क्या कर दो, नो शट, फिर ये क्या है, अगर आप दोबारा चेक करेंगे तो ये इंटरफेस अब क्या आ गया आपका, कनेक्टेड, क्योंकि अभी आपने क्या लगा दिया इसके साथ, एक एंड पॉइंट, एंड डिवाइस लगा दिया। पर फिर से अगर आप इसके साथ कोई स्विच लगाते हो तो इमीडिएटली ये क्या चला जाएगा आपका, जैसे ही फॉरवर्ड में जाओगे ये फिर ब्लॉक। तो ये याद रखिए, इस तरह के प्रोटेक्शन के लिए ही आप क्या यूज करते हैं, बीपीडीयू गार्ड। तो ये थ्योरी लिखी हुई है, एक बार समझ लेना आप, और समझ आ जाए, कोई ऐसा लफड़े वाली बात है नहीं इसमें, और ये एक्सप्लेनेशन भी है जो हमने अभी करके दिखाया मैंने आपको। तो ठीक है, कैसे कॉन्फ़िगर करना मैंने आपको बता दिया है, आप रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, एक साथ बीपीडीयू गार्ड इनेबल कर दीजिए, 1/1 करिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, should be enabled on any port with port fast enabled. तो ये एक मंत्रा मान लीजिए कि जब भी आप port fast configure करते हैं ना SCP topology के अंदर, उसके साथ ही आप BPDO guard भी configure कर देते हैं। ठीक है, अब guard configure करते हैं, BPDO guard है ना ये configuration बता दी, BPDO filter कम prefer करते हैं जहाँ तक मेरा idea है। तो ये देख लीजिएगा कि error अगर disable में चला जाता है फिर इसको कैसे बाहर लाना है, मैंने आपको बता दिया। BPDO फिल्टर क्या करता है, ये थोड़ा सा लेस सिक्योर है, काफी लेस सिक्योर है अगर मैं बात करूं BPDO गार्ड के, उसमें तो आप 100% उसकी पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि भाई उसको जो जिस काम के लिए डेजिग्नेट किया है ना वो अपना काम करेगा, कभी लोग बनने ही नहीं देगा, तो फॉर श्योर है। पर ये दो तरह से कॉन्फिगर होता है जो BPDO फिल्टर की अगर आप बात करो, तो ये दोनों अलग अलग है, एक BPDO गार्ड था एक BPDO फिल्टर, मैं इसको डाल भी नहीं रहा था वैसे, पर फिर भी लगा कि अगर आप कहीं कम अक्रॉस आए कि हाँ यार BPDO फिल्टर भी कोई कॉन्सेप्ट है तो एटलीस्ट पता रहे आपको बेसिक आइडिया। तो अगर आप, आई डोंट थिंक कि ये चलता भी होगा इस पे, पैकेट ट्रेस तो शायद चलता भी नहीं होगा, आप GNS3 में ट्राई करना इसको। अगर आप एग्जिट करें स्पैनिंग ट्री, और अच्छा इस पे तो कहाँ चलेगा, इंटरफेस के अंदर ही होगा ना,
इंटरफेस एफ ए 0/1। स्पैनिंग ट्री बीपीडीयू फिल्टर आप देख पा रहे हैं कहीं पे? नहीं है, नहीं होगा, ठीक है, पर जेनेस्ट्री में मिल जाएगा आपको स्विच के अंदर। तो कर क्या रहे अगर आप इसको ग्लोबली करते हैं तो, हाँ बीपीडीयू गार्ड में ऑप्शन नहीं था, बट बीपीडीयू फिल्टर में आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे कि अगर आप उसको थर्ड मोड में जाके स्पैनिंग ट्री बीपीडीयू फिल्टर इनेबल करते हैं तो वो क्या करेगा, अलग तरह से बिहेव, और अगर आप उसको इंटरफेस में जाकर कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो क्या करेगा, अलग तरह से बिहेव। कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ना तो वो कोई बीपीडीयू सेंड करेगा और ना ही कोई बीपीडीयू रिसीव करेगा, मतलब ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बीपीडीयू रिसीव हुआ उस वाले डिवाइस पे, उस वाले स्विच पे, तो सिंपली क्या होगा, जो पोर्ट फास्ट कॉन्फिगर किए हुए था इंटरफेस, वो उसका स्टेटस क्या करेगा, लूज कर देगा। सिंपल सी बात है ना। और जैसे मैंने बोला था कि आप ग्लोबली पोर्ट फास्ट को भी कॉन्फिगर कर सकते थे और इंटरफेस वाइज भी, तो वो स्विच ही क्या कर देगा, पोर्ट फास्ट के स्टेटस को लूज कर देगा। समझिए आप इस बात को जरा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको ना ग्लोबल नहीं कॉन्फिगर करना, इंटरफेस पे ही, एक सिंगल इंटरफेस पे करना है, तो सेंड तो वो कर ही नहीं रहा था, ठीक है, और जो इनकमिंग बीपीडीयूज थे जो रिसीव करने थे उसको, वो उसको क्या कर देगा, इग्नोर। यहाँ पे आती है सबसे गलत बात, सबसे एक तरह से जो बोलते हैं ना, एक्सपोज करना आपके पोर्ट को या आपके स्विच को, ठीक। तो ना तो ये सेंड कर रहा था, वो तो फीचर ही था इसका बीपीडीयू फिल्टर का, और वो रिसीव करने के बजाय उसको क्या कर रहा है, यहाँ तो फिर भी ठीक है, उसने इसको लूज कर दिया कि वो पोर्ट फास्ट इनेबल्ड है ही नहीं, पर स्टिल आप देखोगे तो गलत तो फिर भी हो रहा है। यहाँ पे तो उसने बिल्कुल क्या कर दिया, एक तरह से स्पैनिंग ट्री को ही डिसेबल कर दिया है, ठीक है। तो बीपीडीयू फिल्टर पे हम इतना रिलाय नहीं करते जितना बीपीडीयू गार्ड पे करते हैं, ठीक है। इसने लिखा भी, बी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग ऑन द इंटरफेस लेवल। ग्लोबल तो फिर भी एक बार को मैं सोच भी लूं, ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है आपकी बीपीडीयू फिल्टर की और बीपीडीयू गार्ड के बारे में। तो आई थिंक छोटी रखते हैं इस वीडियो को, स्वीट एंड शॉर्ट, और अगली वीडियो में बात कर लेते हैं रूट गार्ड एंड लूप गार्ड की। ओके, तो मिलता हूं उससे अगली वीडियो में। ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।